अस्सलाम वालेकुम एवरीवन क्या हाल है आप सब की? आज मैंने ये बहुत बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार वाइट सॉस पास्ता बनाया था जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो सबसे पहले मैंने हाफ चिकन ब्रेस्ट लिया था और इसके अंदर मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट एक टी स्पून डाल दिया था एक ही टी स्पून आ, मैंने भर के जो है ब्लैक पेपर डाला था इसमें कम दिख रहा है आपको मैंने इसमें थोड़ा सा और डाला था और नमक भी हसबे जायका डाल दिया था यानी कि एक ही टीस्पून डाला था इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और मेरीनेशन के लिए ढककर रख देंगे पास्ता मैंने बॉईल करने के लिए रखा था जिसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई थी जो कि हर ऑलमोस्ट हर किसी को पास्ता बॉईल करने का तरीका तो पता है खैर आधे घंटे के बाद मैंने एक पैन में तीन से चार टेबल स्पून ऑयल डाला था और उसमें मेरीनेटेड चिकन डाल के उसको अच्छे से आ, हल्की आँच में पकने के लिए छोड़ दिया था पास्ते को बॉयल करने के लिए पानी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा चाहिए होगी और उसमें नमक और तेल डाल के आप उसको बॉयल होने छोड़ दें जब पास्ता बॉयल हो जाए तो थोड़ा पानी आप साइड पर रख दें क्योंकि वो हम आगे यूज़ करें यहाँ मैंने पास्ते में थोड़ा सा ऑयल लगाया था ताकि सारे जो पास्ते ना वो एक दूसरे से जुड़े नहीं खैर व्हाइट सॉस बनाने के लिए मैंने एक टेबल स्पून बटर डाला था और इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इसमें मैंने पाँच जो लहसन होते हैं लहसन के दाने उनको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप करके डाल के इसको हम हल्की आँच में हल्का हल्का मिक्स करते रहेंगे जब तक ये अपना खुशबू छोड़ता है तब तक मैं यहाँ साथ ही साथ चिकन को भी देख चिकन को भी मैंने हल्की आँच में पकने के लिए छोड़ दिया था ताकि वो जले नहीं उसके बाद जो था मैंने इसके अंदर दो टेबल स्पून हम मैदा डालेंगे और इसको हम मिक्स करेंगे मिक्सिंग के लिए आपको बहुत ज्यादा एक्टिव रहना होगा इसके लिए खैर जब मैदा इसके अंदर जो है मिक्स हो जाए तो जो पानी मैंने पास्ता का निकाला था वो मैं इसमें ऐड करूंगी और हम इसको जल्दी जल्दी से जो है ना मिक्स करेंगे छोटे तीन चाय क, क, कप होते हैं वो मैंने इसमें तीन कप दूध भी ऐड किया था और ये जो क्रीम थी मैंने वो भी इसमें ऐड कर दिया था वीडियो में नहीं बना सकी क्योंकि बहुत जल्दी में जो है ना उसको मिक्स करना अच्छा यहाँ पे दिखाने के लिए आपको मैंने थोड़ी सी क्रीम और डाली थी इसके बाद मैंने ऑरिगानो और ब्लैक पेपर डाला अच्छा अगर बाइक चांस किसी का जो है लम्स बन भी रहा हो सॉस में तो वो बहुत तेज़ी से जो है ना उसको मिक्सर से मिक्स करेंगे तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा खैर इसके अंदर अब मैं एक टी जो है भर के ब्लैक पेपर डालूंगी और औरिगानो थोड़ा सा डालूंगी आधा टी और नमक मैं इसमें नहीं डालूंगी वो मैं बाद में टेस्ट करके डालूंगी अच्छा अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है वाइट सॉस को बनाने का सारा गेम ही उसकी मिक्सिंग है क्योंकि जितना अच्छा ये मिक्स होगा उतना ही क्रीमी इसका टेक्सचर बनेगा इसके अंदर मैं एक चिकन स्टॉक डालूंगी और एक इसमें मैं स्लाइस चीज़ तोड़ के डाल दूंगी इनको भी जब तक स्लाइस चीज अच्छे से मेल्ट हो जाएगी उसके बाद हम इसमें हमारा पास्ता ऐड कर देंगे उसके बाद हमने इसको जो है मिक्स कर देना है और हमारी चिकन भी रेडी हो गई है चिकन को भी हम अब पास्ते में डालेंगे चिकन को पास्ते में इस तरह से डालना है की जिसका जो ऑयल वगैरह है वो सब इसके अंदर जाए क्योंकि इसकी वजह से फ्लेवर बहुत ज्यादा एनहेंस होगा मुझे नमक डालने की कोई जरूरत नहीं पड़ी अगर आपको नमक कम लगे तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं यहाँ पे मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा पार्सले पार्सले मैंने सिर्फ अपनी प्लेट में डाला था क्योंकि मुझे इसका टेस्ट बहुत मजे का लगा यहाँ पे हमारा पास्ता रेडी हो गया ट्रस्ट में ये बहुत ही मजेदार और बहुत ही क्रीमी बना था ये बच्चे और बड़े सबको बहुत पसंद आची के जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स कैफेज में हम खाते हैं पास्ता इसका जायका बिल्कुल वैसा ही था आप लोग इस रेसिपी को जरूर जरूर ट्राई कीजिएगा मुझे पूरी उम्मीद है आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे तो चले यहाँ पे मैं करती हूँ अपने वीडियो का एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज